हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशुज ब्लॉग्स में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है या नीचे की तरफ खिसक जाता है, मतलब अपनी डिलीवरी की सही पोजीशन बनाने लगता है, तो आपको फिर कैसा डिस्चार्ज होने लगता है, किस तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप आसानी से पहचान पाते हैं कि आपकी डिलीवरी अब बहुत ही जल्द होने वाली है, जल्द ही आपको लेबर पेन आने वाला है, जल्द ही आपका बच्चा आपके पास आने वाला है। क्योंकि डिस्चार्ज को लेकर ना बहुत सारे डाउट होते हैं प्रेग्नेंट लेडी में कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, मैं मुझे डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना और वेट करना पड़ सकता है, या कई लेडीज़ कहती हैं कि मुझे डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है। तो आज मैं ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या करते हो, वीडियो देखते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ना, ये तो बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई मुझे पैसा नहीं देना है वीडियो देखने का, बिल्कुल फ्री वीडियो है, फ्री चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबा देना है और ऑल पर क्लिक कर लेना है। इतना काम आपने कर लिया ना, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजीशन में आता है तो सर्विक्स पर प्रेशर बनाने लगता है। आपका जो सर्विक्स होता है उस पर बच्चा अपने हेड का प्रेशर बनाता है। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके सर्विक्स पर म्यूकस प्लग लगा होता है, जो कि आपके बच्चे को पूरे 9 महीने तक बाहरी बैक्टीरिया वायरस से बचाता है, मतलब जितनी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है बाहर का उससे गर्भ में बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जितनी भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है उसको प्राइवेट पार्ट के जरिए बाहर निकाल देता है, बच्चे तक नहीं पहुंचने देता है। एक तरीके का ये बच्चे का गार्ड होता है जो उसकी पूरे 9 महीने तक रक्षा करता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगता है तो आपका बच्चा जब हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है तो आपकी सर्विक्स पर प्रेशर बनाता है। सर्विक्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से सर्विक्स धीरे धीरे खुलता है और जो म्यूकस प्लग उस पर लगा होता है आपकी सर्विक्स पर, वो अपनी जगह छोड़ देता है और म्यूकस प्लग आपके प्राइवेट पार्ट के जरिए बाहर निकलने लगता है। इसको म्यूकस प्लग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल म्यूकस की तरह होता है। म्यूकस मतलब कि जैसे कि बलगम होता है ना, उसके तरीके से होता है। तो जब आपका बेबी हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है, मतलब बच्चा नीचे की तरफ खिसक आता है, तो आपको बलगम की तरह डिस्चार्ज होने लगता है। बलगम हल्का सा स्टिकी टाइप का थिक सा डिस्चार्ज आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू निकल सकता है। अगर ये डिस्चार्ज आपको सफ़ेद हल्का गुलाबी, उसमें लाल लाल ब्लड की धारियां आपको नज़र आ रही हैं डिस्चार्ज में, तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज का रंग पीला है, दही जैसा है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, मतलब आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। अब जब आपका बेबी हेड डाउन पोजिशन में आता है तो आपको म्यूकस की तरह डिस्चार्ज तो हो गई, मतलब म्यूकस प्लग तो निकलना शुरू हो ही जाएगा, साथ में आपको कभी कभी उठते टाइम, बैठते टाइम, लेटते टाइम हल्का पानी भी निकल सकता है, हल्का ड्रॉप टाइप का आपको पानी निकल सकता है। आपकी जैसे कि थोड़ी बड़ी पैंटी गीली हो सकती है, तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर यह पानी कंटिन्यू निकलने लगे, आपको लगे कि बंद ही नहीं हो रहा है, यूरिन के रास्ते कंटिन्यू निकलता आ रहा है, आप यूरिन भी पास कर लेते हैं तब भी ये पानी निकलता आ रहा है, तो फिर ये डेंजरस है। ये सिम्टम होता है बच्चे की पानी की थैली फटने का, मतलब बच्चा जिस पानी की थैली में रहता है वो पानी की थैली फट चुकी है, आपका डिलीवरी का टाइम अब बहुत ही करीब है। इसीलिए ऐसे लक्षण नज़र आने पर आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी का सिम्टम होता है। डिलीवरी कभी भी आपकी होने वाली होती है, ज़्यादा टाइम ऐसे में अगर आप वेट करती हैं तो बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, अंदर गर्भ में पानी की कमी हो सकती है, जब पानी कंटिन्यू बहेगा तो पानी की कमी तो होगी ना, इसीलिए इस सिम्टम को आपको स्पेसली नोटिस करना चाहिए। तो आपने जान लिया ना कि जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है, मतलब बच्चा नीचे की तरफ खिसक सकता है, तो आपको किस तरीके का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू।